1996 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान ममता इस बात पर नाराज हो गई कि विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में उनकी बात नहीं मानी गई। इसके विरोध में उन्होंने समर्थकों की भीड़ के बीच अपने शॉल का फंदा बनाकर फांसी लगाने की धमकी दे डाली। वो ड्रामाबाजी भी किया, हम मर जाएंगे, आपको मार देंगे। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर ममता ने समाजवादी पार्टी के नेता का कॉलर पकड़ लिया। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि नहीं, ये महिलाओं के महिला बिल से हमसे काम लेना देना था। 4 अगस्त 2005 की ये तस्वीर है। 13 साल पहले का ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उस दिन लोकसभा में ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पर ये कागज के टुकड़े इसलिए फेंके थे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। असल में ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। जमकर हंगामा किया। अन्ना का साथ ममता की चुनावी राजनीति का हिस्सा था क्योंकि 2014 में उनके पैर छूने वाली ममता 2011 में अन्ना के साथ मंच पर आने से भी बचती थी। यही नहीं, तब अन्ना के सवाल पर ममता कुछ इस अंदाज में जवाब दिया करती थी। जातियों क्षेत्र से आसबो अन्ना हजारे अन्ना इज इक्वल टू ओरे बाबा रे, একটু ব্যাখ্যা করবেন না? না, ওরে বাবা রে মানে খুব বড় লোক, সেই জন্য বলছি ওরে বাবা রে। এত বড় লোকের সম্বন্ধে কি কথা বলবো, সেই জন্য দূরে সরে গেলাম। আপনার সমর্থন চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস? আমি তো একা নই, কত আছে। जी हाँ, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे सामने आए थे उसके बाद लग रहा था कि शायद यहां पर राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है और अब यहां पर यह बड़ी खबर आई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसपी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ, इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझ कर किया? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया? व्हील चेयर से ही ममता बनर्जी चुनावी जंग में फिर से कूद पड़ी।